एटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसला कोठो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर उपरे तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखिबा कोन क्वेश्चन अछि डेटा कोन कोन अछि ताको फर्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करबा डेटा को इंटरप्रेट करबा पे ट्राई करबा तापर हम देखिबा हमको क्वेश्चन में मागी छि कोन तो फर्स्ट क्वेश्चन को लिए क्वेश्चन रे कोन मागी छि माने कोन गिवन अछि ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए 500 केवीए एट 220/4 40 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर गिव द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट ओपन सर्किट टेस्ट रे कोन कोन रिजल्ट दोछि को कंडीशन रहे 220 वोल्ट 2 एम्पीयर 100 वाट है एलवी साइड रहे शॉर्ट सर्किट टेस्ट को साइड रहे तुम एचवी साइड रहे जो थे वोल्टमीटर रीडिंग दौर 40 वोल्ट एमीटर रीडिंग 11.4 एम्पीयर आउ वाटमीटर रीडिंग होगा 200 वोल्ट तापर कोन इनफॉरमेशन के भी अच्छे डिटरमाइन द एफिशिएंसी एंड एप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर एट फुल लोड एंड 0.9 पावर फैक्टर लगे तो फर्स्ट क्वेश्चन को भाग देखिया के क्वेश्चन डेटा कौन कौन गिवेन अच्छी ओपन सर्किट टेस्ट रे डेटा गिवेन अच्छी शॉर्ट सर्किट टेस्ट रे डेटा गिवेन अच्छी तापर ट्रांसफार्मर को आम लोडिंग को कंडीशन रे करिचु फुल लोड रे आम ताको लोड देइचु आमर लोड जो देइचु लोड रो कंडीशन कौन 0.9 पावर फैक्टर लेगिंग रे से कौन करचु ऑपरेट करचु तो जति के डेटा अच्छी कौन करिया फर्स्ट आम इंटरप्रेट करिया पई चाहिबो कि आमर जो टेस्ट कराइ छै ठीक कंडीशन रे कराइ छै ओपन सर्किट टेस्ट हमारी वो कंडीशन में हुए वो साइड रे दैट इज एलवी साइड ठीक अछि तापर कोन हो त हमर जो साइड रहला तार रेटेड वोल्टेज रहबा दरकार तो एलवी साइड रही छि हमर एलवी साइड रेटेड वोल्टेज का 220 वोल्ट देन हमर ओपन सर्किट टेस्ट ठीक अछि देन तापर असला कोन शॉर्ट सर्किट टेस्ट को साइड रे एचवी साइड ठीक अछि को कंडीशन रे हुए सेकेंडरी फुल लोड और रेटेड वोल्टेज रेटेड करंट कंडीशन रहे तो हमें चेक करेंगे 11.4 एम्पीयर रेटेड करंट कि नहीं तो रेटेड करंट जाने के हम पास कौन इंफॉर्मेशन अछि केवीए रेटिंग शुड बी इक्वल टू V2 I2 केवीए रेटिंग हमर केति अछि 5 केवीए दैट इज 5000 वोल्ट एम्पीयर इक्वल टू वोल्टेज दैट इज V2 एचवी साइड 440 इंटू I2 तो I2 कितने बाहर 5000 डिवाइडेड बाय 440 नियरली 11.34 और 36 अराउंड हमें एप्रोक्सीमेट कितने कह 11.4 एम्पीयर को एप्रोक्सीमेट कर तो ये डेटाटा हमारे कौन हवा दरकार शॉर्ट सर्किट टेस्ट फुल लोड कंडीशन में हवा दरकार जोटा अलरेडी आम सब 11.4 एम्पीयर एमिटर आमको रिडिंग दौर तो आम दुटा टेस्ट कौन अच्छे पूरा ठीक कंडीशन रे अच्छे आउ सही आम इनफर्मेसन कौन अच्छे कि फुल लोड अच्छे लोडिंग अच्छी तुम फुल लोड एक्स रैल्यू कौन है तुम वन पार फैक्टर 0.9 लगे दैट इज कॉस 5 कौन है 0.9 लगे तो ये कंडीशन आम कौन करलु बाहर करदेलु जो क्वेश्चन आमको गिवेन डेटा अच्छे नेक्स्ट आम देखो आमको कौन मागी क्वेश्चन डिटरमाइन एफिशिएंसी एंड एप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर तो फर्स्ट आम देखा कि एफिशिएंसी रो फॉर्मूला कौन वोल्टेज रेगुलेशन रो फॉर्मूला कौन एफिशिएंसी आम जानू एफिशिएंसी रो फॉर्मूला कौन आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट को आम कौन डिवाइड करें आउटपुट प्लस लॉसेस तो से अनुसार एफिशिएंसी आम को भी लोडिंग कंडीशन में बाहर कर देगा हाफ लोड हो जो भी फ्रैक्शनल लोड हो तुम 3/4 हो 1/6 हो 1/10 हो व्हाट एवर तो आम एफिशिएंसी को भी लोड कंडीशन में बाहर कर पारू से जो मुझे कौन लिखिली एफिशिएंसी एक्स ऑफ फुल लोड कि जो एक्स वैल्यू जो 1 है फुल लोड कंडीशन में एक्स वैल्यू जो हाफ हुए तो हाफ फुल लोड कंडीशन में एक्स वैल्यू जो 3/4 है सेटा पढ़ा मतलब 3/4 फुल लोड कंडीशन में तो ये फार्मूला कौन आसे एक्स केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इनटू पावर फैक्टर एटा कहला तब आउटपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट सेम जिनस हमें कॉपी कर दबू एक्स इनटू केवीए रेटिंग इनटू पावर फैक्टर प्लस लॉसेस लॉसेस को आम दुटा बारे डिवाइड करुँ कटे कन्स्टेंट लॉस कटे कौन वेरिएबल लॉस
कन्स्टाट लस जोटा अच्छे लोडिंग कंडीशन बिल्कुल भी डिपेंड कैन लोडिंग तुम बढ़ू कमू कन्स्टाट लस सब कन्स्टाट भेरिएबल लस कौन हुए तो लोडिंग कंडीशन स्क्वायर रूप डिपेंड कैर तो भेरिएबल लस कौन कॉपर लस कन्स्टाट लस कौन आयरन लस तो कॉपर लस प्लस आयरन लस कॉपर लस कौन करे लोडिंग कंडीशन डिपेंड कर दैट इज तार स्क्वायर रूप लिखू एक्सेस स्क्वायर इंटु लस कौन हम आई स्क्वायर आर दैट इज आई टू और आई फुल लोड भी कह जापर स्क्वायर इंटु आर जीरो टू दैट इज सेकेंडरी और विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंडरी कह कौन लिखल आर जीरो टू लिखल देन कौन रहा आयरन लस दैट इज डब्ल्यू आई को रिप्रेजेंट कल यहाँ कौन है एफिशिएंसी बाहर कर इंटु हंड्रेड है देन आसला वोल्टेज रेगुलेशन वोल्टेज रेगुलेशन फॉर्मूला कौन वोल्टेज ड्रॉप डिवाइडेड बाय वी टू दैट इज नो लोड वोल्टेज इंटु हंड्रेड परसेंट और परसेंटेज वोल्टेज लॉस देन देखिए वोल्टेज ड्रॉप रो फॉर्मूला कौन वोल्टेज ड्रॉप रो फॉर्मूला हमरो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कौन आई टू और आई फुल लोड कहीपर इंटु आर जीरो टू कॉस फाइव टू प्लस और माइनस एक्स जीरो टू साइन फाइव टू वोल्टेज ड्रॉप हो गला इतनी डिवाइडेड बाय वी टू इंटु हंड्रेड वोल्टेज ड्रॉप कंडीशन में कौन अच्छा दुटा साइन अच्छी गोटे प्लस साइन अच्छी गोटे माइनस साइन अच्छी तो प्लस साइन के यूज हुए जितेबले आम पावर फैक्टर लैगिंग थी माइनस साइन के यूज हुए आम पावर फैक्टर लीडिंग थी जदि न होती प्रीवियसली जाए देख वोल्टेज रेगुलेशन कमी बाहर फेजर डायग्राम भी जमा पड़े पूरा क्लीयरली डेटा मिल जाए ये प्लस कौन पर माइनस कौन पर तो क्वेश्चन आमर गिवन कौन अच्छी पावर फैक्टर जीरो पॉइंट नाइन लैगिंग अच्छी तो लैगिंग आम कौ साइन यूज करवा प्लस साइन सो माइनस साइन को कौन करमिट करदे तो आम फाइनाली वोल्टेज रेगुलेशन फॉर्मूला कौन हो गला आई टू इंटु आर जीरो टू कॉस फाइव टू प्लस एक्स जीरो टू साइन फाइव टू डिवाइडेड बाय वी टू इंटु हंड्रेड तो क्वेश्चन को आमको जो अनुसार लगे कि एफिशिएंसी एप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करियर तो आम पाखे फर्मूला कितना दुटा मिलगला कि यार फर्मूला एटा तार फर्मूला एटा देन आम कौन कर आम पाखे जो जो डेटा को आगे आम फिट करने ट्राई करूँ कौन कौन जिनस कौन कौन जिनस अवेलेबल ना आमको ये डेटा को कौन करार अच्छे बाहर करार अच्छे तो फर्स्ट देख गिविन डाटा आप जापर गिविन डाटा एक्स रैल्यू कौन अच्छे जेहेतु फुल लोड देखिए एक्स रैल्यू कौन अच्छे वन पावर फैक्टर के अच्छे जीरो पॉइंट नाइन लैगिंग पावर फैक्टर जीरो पॉइंट नाइन लैगिंग आई टू मान कौन तुम आई फुल लोड और आई टू से कौट मिल सर्ट सर्किट डेटा जो एमिटर रीडिंग दौटा है कौन तुम आई टू और आई फुल लोड दैट इज आई टू इक्वल टू 11.4 एम्पीयर है देपर आम कौन गिविन अच्छी डब्ल्यू आई दैट इज आयरन लॉस कमी आम जाना जदि आम ओपन सर्किट डेटा करुचे ओपन सर्किट टेस्ट करुचे ओपन सर्किट टेस्ट जब लो वोल्टेज साइड एट गिविन रेटेड वोल्टेज रे हम देन आम वाट मीटर रीडिंग डायरेक्टली कौन दबो आमर आयरन लॉस को रेफर कर तो ये डब्ल्यू आई दैट इज आयरन लॉस कौट पारा ओपन सर्किट डेटार वाट मीटर रीडिंग दैट इज हंड्रेड वाट विल बी आवर आयरन लॉस देन कौन है ये केवीए रेटिंग कौन हम केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिविन अच्छे दैट इज फाइव केवीए और 5000 वोल्ट एम्पीयर कौन पे वोल्ट एम्पीयर लिखे ताकि सब वाट रे अच्छे गोटे यूनिट को कन्वर्ट करने वोल्ट एम्पीयर करदे देन देख एफिशिएंसी काटापी आम पाखे सब डेटा अच्छे एक्स केवीए रेटिंग जना पावर फैक्टर जना एपटे एक्स वैल्यू वन आई टू आर जीरो टू डब्ल्यू आई ये कौन आर जीरो टूर वैल्यू आमको जना कमी आम आर जीरो टूर वैल्यू बाहर करूँ आम सर्ट सर्किट डेटा भी कौन कर आर जीरो टूर वैल्यू बाहर करना तो आम जानलु जो जिनस ये मिसिंग अच्छे दैट इज आर जीरो टूर वैल्यू सर्ट सर्किट डेटार इनफर्मेसन को आम यूज करके आर जीरो टूर वैल्यू बाहर करें जानूँ सर्ट सर्किट डेटार इनफर्मेसन को यूज करें कौन बाहर कर पारू फर्स्ट आम बाहर करूँ कि फुल लोड कॉपर लॉस कौन हो पारे इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर गुड़ा कौन कौन हो पारे दैट इज आर जीरो टू एक्स जीरो टू जेड जीरो टू एति सब इनफर्मेसन आमको सर्ट सर्किट टेस्ट डेटा डायरेक्टली दबो
তারপরে আমি কোন দরকার ভোল্টেজ রেগুলেশন ভোল্টেজ রেগুলেশনে দেখো আই টু আমাকে অলরেডি জানা আছে আর জিরো টু আমি ক্যালকুলেট করিয়া শর্ট সার্কিট ডেটার কস ফাইভ টু অলরেডি গিভেন আছে দ্যাট ইজ 0.9 কস ফাইভ টু ইনফরমেশন ইউজ করি আমি কোন করিব সাইন ফাইভ টু ভ্যালু বাহির করি দেন আসলা কোন এক্স জিরো টু আমি কোঠি পাইব শর্ট সার্কিট ডেটার পাইব দেন ভি টু তো অলরেডি আমাকে নন আছে ভি টু ইকুয়াল টু কেতি কি 444 × 100 বাস আমাকে ইনফরমেশন সব জানা আছে এবে আমি কোন করি পারিব রিপ্রেজেন্ট করিব যেতি কি ডেটা আছে সেটু আমি বাহির করিব কোন বাহির বাহির করিব আমাকে আর জিরো টু এক্স জিরো টু র ভ্যালু দরকার সাইন ফাইভ টু দরকার এত কি জিনিস দরকার আমি জানিছু আর জিরো টু র আর জিরো টু শর্ট সার্কিট ডেটা বাহির হবো শর্ট সার্কিট ডেটা ভিতরে আর জিরো টু বাহির হবো তার ফর্মুলা কোন দ্যাট ইজ ডব্লু এসি ডিভাইডেড বাই আই এসি র স্কোয়ার এক্স জিরো টু কেমতি বাহির হবো জেড জিরো টু র হোল স্কোয়ার মাইনাস আর জিরো টু র হোল স্কোয়ার র রুট হয় সাইন ফাইভ টু র ইনফরমেশন কেমতি বাহির হবো তার 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव टू रो स्क्वायर तीन टाइम कुछ जाना गला कि जे यहाँ पे फॉर्मूला बुरा कर देगी तो हमें कैलकुलेट करेगा आर जीरो टू फर्स्ट देन आर जीरो टू रेट आपने गला एक्स जीरो टू पाया आपने कौन दरकर हमको जेड जीरो टू दरकर जेड जीरो टू आपने कैलकुलेट करेगा कि जेड जीरो टू रो रेट आपने दैट इज वी शॉर्ट सर्किट डिवाइडेड बाय आई শর্ট সার্কিট হ্যাঁ এটা হলো আমার জেড জিরো টু ডেটা তারপরে কোন করি পারিবা এক্স জিরো টু বাহার করিবা সাইন ফাইভ টু বাহার করিবা ডিরেক্টলি ভ্যালুস গুলাকে আমি ফর্মুলারে পুট করিবা তো ফার্স্ট ক্যালকুলেট করিয়া কোন আর জিরো টু আর জিরো টু ইয়ার ইনফরমেশন অফ ফর্মুলা অনুসারে ডব্লিউ এস এডি শর্ট সার্কিট ও ওয়াট মিটার রিডিং দ্যাট ইজ 200 ওয়াট ডিভাইডেড বাই দ্যাট ইজ 200 divided by IS, which is 11.4 whole square. It will give as 1.539. Since the Z02 is equal to VSC by ISC, that is VSC short circuit of voltmeter reading, that is 40, divided by IS 11.4, it will give us 3.5 ohm. Then x02 kemti bahiribo x02 is equal to z02 square that is 3.5 ro whole square minus r02 that is 1.539 ro whole square whole root over. It will come as x02 3.14 ohm तो हमको मिली गला r02 हमको मिली गला x02 देन हमने कौन बाहर करी पा sin phi 2 sin phi 2 equal to 1 minus cos ra value cos phi equal to 0.9 that is 0.9 whole square root over is equal to 0.435 ला तो आम पाइल कौन साइन फाइव टू आर जीरो टू जेड जीरो टू एक्स जीरो टू ताप आम कौन कर सब फर्मूल डेटा फुट कर फर्स्ट आम बाहर कौन कर efficiency is equal to x to the value 1 into capability of transformer that is 5000 into power factor that is 0.9 divided by x into 5000 into 0.9 output plus a tikela kona amra copper loss
आम वैल्यू पकई के बाहर कर पारु और शॉर्ट सर्किट डेटा वाटमीटर रीडिंग कौन कर पारु डायरेक्टली आम एक पुट कर पारु कौन भाई आम जानी शॉर्ट सर्किट टेस्ट है यदि आम लेटेड कंडीशन है फुल लोड कॉपर लॉस दबो जो आमको फुल लोड कॉपर लॉस ही दरकार तो आम डायरेक्टली 200 वाट पुट करलु देन आयरन लॉस के दबो ओपन सर्किट डेटा दैट इज 100 वाट फाइनली कौन मिलला 4500 बाई 4800 इंटू 100 तो फाइनली वैल्यू विल गिव इज 93.75% दैट इज efficiency of transformer at full load condition and with given data 0.9 power factor lagging केते भाव छै 93.75 हमें जानै छै सब बेले ट्रांसफार्मर रो एफिशिएंसी सब बेले 90% रु 100% भीतर रहइबो मोर देन 90% ऑलवेज तो हमें एथि डेटा ही पाइबो केति कि 93.75 तब हमें कोन क्वेश्चन आ किछि एप्रोक्सिमेट वोल्टेज रेगुलेशन एप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन फॉर्मूला हमने डेक देखिलु तो फर्स्ट हम कौन कैलकुलेट कर रहे वोल्टेज डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे तापर लो लोड वोल्टेज दिस हाईएस्ट वोल्टेज साइड वोल्टेज इनटू 100 तो फर्स्ट हम कौन कैलकुलेट करबा वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला करो I2 इनटू R02 cos phi 2 प्लस फॉर लैगिंग X02 sin phi 2 डायरेक्टली डेटा पुट करूँ 11.4 इंटू R02 वैल्यू 1.539 इंटू कॉस फाइव दैट इज 0.9 प्लस X02 इज 3.14 इंटू साइन फाइव टू दैट इज 0.435 दिस विल गिव एज 31.37 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप के बाहर हमको 31.37 वोल्ट ए इन्फॉर्मेशन हमको दरकार नहीं तो मिले स्कूल जी देन आवर क्वेश्चन पर मैं कीजिए वोल्टेज रेगुलेशन दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप डिवाइडेड बाय V2 इनटू 100 इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप 31.37 V2 वैल्यू इज 440 इनटू 100 इट विल गिव एज 7.13% दैट इज प्लस 7.13% तो एथ्रू ए जो प्लस साइन मिलुची वोल्टेज रेगुलेशन गोटे डेटा को हम इंटरप्रिट कर परबा कि लैगिंग कंडीशन जे तबे हम रहउछु वोल्टेज रेगुलेशन हम सब बेले पॉजिटिव आसीबो जदी तो पाखरे क्वेश्चन रे 0.9 और गोटे बार ते पावर फैक्टर पर ते लैगिंग अछि ताले कोन अछि तो वोल्टेज रेगुलेशन सब बेले पॉजिटिव आसीबो एटा को हमको माइंड सेट कर वोल्टेज यदि लीडिंग कंडीशन में आसो तुम पावर फैक्टर वोल्टेज रेगुलेशन तुम माइनस भी आसपा प्लस भी आसपा और जीरो भी आसपा वैल्यू पर डिपेंड करे कौन आस बट एटी लैगिंग अच्छे मैंने वोल्टेज रेगुलेशन सब पजिट अच्छे आमको मन रखे कौन पावर फैक्टर लैगिंग के वोल्टेज रेगुलेशन सब पजिट आसो तो आमको इनफर्मेसन जहाँ जहाँ दिखाई है सहित आम एफिशिएंसी और एप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कर पार्लु जो जो डेटा अच्छे से जिनस करूँ तो क्वेश्चन अनुसार इनफर्मेसन आंसर तो आमको मिलगला तो यही जगह क्वेश्चन डिफरेन्ट टाइप आसपारे आमको कौन कंडीशन दे फुल लोड कंडीशन दे मनकर क्वेश्चन कौन आसको हाफ फुल लोड यदि क्वेश्चन आमको हाफ फुल लोड आसला तो आम देखा किमि वैल्यू आम वैरी करुचे ठीक अच्छे यटा को देखीद फर्स्ट देन तापर आम देखा नेक्स्ट जब आम पाखे क्वेश्चन आसला हाफ फुल लोड तो वैल्यू किमी आम वैरी करुचे ओके चलो तो फर्स्ट आमको देखा अच्छे फर्मूला कहार भी चेंज हेनी हाफ फुल लोड था फुल लोड था फर्मूला के चेंज हेनी तो चेंज कौन हम आम देख फर्स्ट जब आम देख लु आमको कंडीशन कौन दे हाफ फुल लोड हाफ फुल लोड कंडीशन एक्सट्रा वैल्यू कौन हो हाफ हो एक्सट्रा वैल्यू कौन हो सब बड़े हाफ हो कौन पर लोडिंग आम अधा दौ तो एक्सट्रा वैल्यू हाफ हो देन तुम जानो कि फुल लोड कंडीशन में कितनी करंट ड्रॉ करुच्छे 11.4 एम्पीयर हाफ फुल लोड यदि कंडीशन आसीगला तो आम कौन हो डेटा जोटा अच्छे से अधा हो दैट इज
आई टू जोड़ा अच्छी ए कंडीशन दे आई टू कौन है जीबो हाफ ऑफ आई एफ एल मुझे तो सही जो कौन लिखी चाहिए आई टू लिखी चाहिए है ना तो देखो आई टू से कंडीशन दे कौन है जो हाफ ऑफ फुल लोड कंडीशन तो हाफ ऑफ फुल लोड कंडीशन दे कौन अच्छी 11.4 एम्पियर तो जहाँ पे इनफॉरमेशन वाले बात इस 11.4 बाय 2 दैट इज 5.7 एम्पियर चेंज कौन कौन हला एक्स रो वैल्यू हमर हाफ पुट हबो जो जो जगह रे एक्स अछि से जगह रे हमर हाफ पुट हबो नेक्स्ट कौन पुट हबो त हमर आई2 जो जगह रे जीवो से जगह रे एबे 5.7 एम्पियर पुट हबो पूर्व रो फुल लोड कंडीशन थिला बोले फुल लोड डेटा हम 11.1 11.4 पुट करथुलु एबे हाफ फुल लोड कंडीशन आसे गेला माने ए इन्फॉर्मेशन हम पुट करथु देखो कि जे हमर शॉर्ट सर्किट डेटा रे किछि चेंजेस आसे सो ता पई हमर एजेंट्स उडा सब ठीक अछि एबे हम देखिबो कि जे ए सब डेटा पुट करले प्रॉब्लम माने हमर आंसर केमती बाहर छ एक्स रे वैल्यू हला कोनो आई2 इज 5.7 एम्पियर एक्स रे वैल्यू अछि हाफ इनटू केपी रेट दैट इज 5000 इनटू 0.9 एज यूजुअल रहइबो एथि भी सेया हाफ इनटू 5000 इनटू 0.9 এটা হাফ ফুল লোড কন্ডিশন আইএফ ইনটু 0.9 প্লাস হাফ র স্কয়ার ইনটু আই ফুল লোড ইজ 11.4 র স্কয়ার ইনটু r02 প্লাস w আই r02 র ভ্যালু কোন ছিলা আমার 1.5 इट इज 1.5 wi कोण हबो 100 वाट ए डेटा उडा तो पुट करी हम फाइनली कोण करिवु इन एफिशिएंसी बाहर कर दे साइन मतलब से एथि कोण चेंज हबो तमरो i2 डा कोण i फुल लोड से कंडीशन रे थिला बट एथि कोण लिखाई तमरो केवल i2 लिखाई दैट इज 5.7 ही पुट हबो r02 जहा वैल्यू थिला कोण थिला 1.5 cos 5 तो हमर जहा भी 0.9 जेहेतु लैगिंग देइछि प्लस साइन x0 टू 3.14 साइन 5 रो होल वैल्यू कोन होला 0.435 अकॉर्डिंगली जहा भी बाहरि हो वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज रेगुलेशन कोन होला वोल्टेज ड्रॉप डिवाइडेड बाय v2 इनटू 100 एफ पॉजिटिव बाहरि हो cos हमरो लैगिंग पावर फैक्टर अछि तो गोटे प्रॉब्लम में हम कोन देखिलु जे फुल लोड कंडीशन दे देथाउ और जो भी फ्रैक्शनल लोड कंडीशन रे देथाउ प्रॉब्लम जहां भी आसीबे हमें ताको सॉल्व कर पाबे हमर एफिशिएंसी और एप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन केस रे हमको फर्स्ट हमें समरी बाहर कर हमको इंफॉर्मेशन कोन दरकार फर्स्ट डेटा रे फार्मूला दरकार फार्मूला रे कोन कोन डेटा गिवन अछि को डेटा में एक केस डेटा को यूज करी बाहर कर पाबे सो बाहर कर देबा देन पुट करबा पुट कर सला परे हमर आंसर बाहर करबा थैंक यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑटो ट्रांसफार्मर ऊपर कौन आसी एन ऑटो ट्रांसफार्मर सप्लाइज ए लोड ऑफ 5 किलोवाट एट 110 वोल्ट एट यूनिटी पावर फैक्टर इफ द अप्लाइड प्राइमरी वोल्टेज इज 220 वोल्ट कैलकुलेट द पावर ट्रांसफर टू द लोड फर्स्ट है इंडक्टिवली सेकेंड है कौन तुम कंडक्टिवली क्वेश्चन कौन मांगी पावर ट्रांसफर इंडक्टिव वे के होती कंडक्टिव वे के होती देन इनफॉर्मेशन कौन अच्छी ऑटो ट्रांसफार्मर अच्छी तो ऑटो ट्रांसफार्मर अच्छी माने वाइंडिंग युक्त हमारा कौन सिंगल वाइंडिंग गोटे ही वाइंडिंग अच्छी जो थी आमे टैपिंग नहीं कि ताको इधर स्टेप डाउन बनाऊ और स्टेप अप बाहर बनाऊ देखिए आम ओटा ये जो ट्रांसफार्मर आमको दिखाई स्टेप अप और स्टेप डाउन देख एप्लाइड प्राइमरी वोल्टेज कौटे एप्लाय हो प्राइमरी वोल्टेज के तुम 220 वोल्ट 220 वोल्ट है हमारा कौन प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज कौन जो जगह हमारा लोड लगी तो लोड को जगह लगी 5 किलोवाट लोड जगह लगी 810 वोल्ट माने प्राइमरी हो 220 वोल्ट सेकेंडरी हो 110 वोल्ट माने कौन जो ऑटो ट्रांसफार्मर आम पाखे अच्छे स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर है तो इनफॉरमेशन कौन अच्छी पावर फैक्टर दिखाई कौन यूनिटी पावर फैक्टर
तो फर्स्ट हमें कौन करिबा का ड्रा करिबा कि जे ऑटो ट्रांसफार्मर गोटे किम देखा जाए वाइंडिंग हमरो सिंगल वाइंडिंग एटा हला हमरो सप्लाई साइड और पावर दिया हो छी टैपिंग नहीं के हमें कौन करू छु हमरो सेकेंडरी को पावर दो तो सेकेंडरी साइड पे कौन लागी छी हमरो गोटे लोड लागी छी लोड कितनी की 5 किलोवाट लोड यूनिटी पावर फैक्टर मींस cos 5 इज इक्वल टू 1 तो cos 5 इज इक्वल टू 1 और यूनिटी पावर फैक्टर माने लोड टा हम निहाती कर रेजिस्टिव लोड इनफॉरमेशन आमे कौन चाहिए आमे जो लोड टा आज सेटा कौन है ना रेजिस्टिव लोड जान जो सेकेंडरी वोल्टेज टा कौन आमर था है V2 करंट कितनी भी था है I2 साइमल्टेनियसली सप्लाई और इनपुट कितनी क्या हमारा 220 वोल्ट और V1 कौन थी दैट इज V1 जाओ का मैं कहूं छु करंट कौन हो छ हमारा I1 ड्रा करू छी दो उच्च लोड पे कहती कि I2 तो अटला V2 अटला I2 V2 कौन दिया है छी 100 10 वोल्ट दिया है छी तापर नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी जति की थाउ सेकेंडरी सेम था हम स्टेप डाउन हो छी माने लेस नंबर ऑफ टर्न्स अछि माने टैपिंग आमे 100% डाउन दे के 50% आमे टैपिंग दे छी देन तापर हम को कोन से पचारि छी कि जे ए कंडीशन रे हम को जानियर कोन अछि इंडक्टिवली पावर केति के ट्रांसफर हो छी कंडक्टिवली पावर केति के ट्रांसफर हो छी ये तो ट्रांसफार्मर हमर ऑटो ट्रांसफार्मर हमर गोटे ही वाइंडिंग अछि नॉर्मली टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर रे कोन होय प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग भितरे इलेक्ट्रिकली किसी कनेक्शन न था सो आम से कंडक्टिवली कहते कि पावर ट्रांसफर हुए जीरो टू वाइंडिंग केस जैसे भी आम पावर ट्रांसफर हुए कौन हुए इंडक्टिव वे हुए इंडक्टिव म्यूचुअल इंडक्शन हुए म्यूचुअल इंडक्शन रे प्राइमरी वाइंडिंग रु सेकेंडरी वाइंडिंग को पावर ट्रांसफर हुए इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बट ऑटो ट्रांसफार्मर कौन आम सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो थे गोटे कोर उपर कौन अच्छी वाइंडिंग लगी ऑफकोर्स हमर जति की पावर ट्रांसफर हबो जति भी हबो दीटा वे रे हबो गोटे हला हमर कंडक्टिव वे आ गोटे हला हमर इंडक्टिव कंडक्टिव रे माने कोन जति करंट हमर वर्चुअली न जाई की फिजिकली गला आबे लोड जति सही करंट को दो जर सही वोल्टेज को यूज कर जर सही पावर की यूज कर छी त फिजिकली देन का हम कोन कर छी इंडक्ट सॉरी कंडक्टिव रे हमर पावर ट्रांसफर हला इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन जति की पावर ट्रांसफर हो छी ताका हम कोन कर छु इंडक्टिवली हमर पावर ट्रांसफर हो छी तो ऑटो ट्रांसफार्मर केस रे दीटा वे रे पावर ट्रांसफर हो छी इंडक्टिवली और नेक्स्ट एंड कंडक्टिवली तो इन हम पकरे डेटा कोन हो छी V1 V2 V1 और प्राइमरी केति के हो छी 220 वोल्ट V2 केति के हो छी 110 वोल्ट देन तापर हम पकरे लोड अछि लोड 5 किलोवाट इन दैट से हम ताको कोन बोलछु V2 सॉरी देखिए तापर दैट इज कोन अछि तापर ई कोन अछि पावर फैक्टर इक्वल टू 1 ला नेक्स्ट हम देखबा लोड 5 किलोवाट माने कोन हमर आउटपुट हम केति की दोछु 5 किलोवाट मींस V2 I2 cos 5 is equal to 5 kilowatt. ला तो हमें एक ही हमें कौन जानलू कि जे V2 I2 cos 5 is equal to 5 kilowatt. जो थी हमको V2 दिया है कितने की 110 volt. I2 कितने की दिया है जाना नहीं हमको इन्फॉर्मेशन हमें बाहर कर पाए तो cos 5 का वैल्यू दिया है 1. ला तो एक ही हमें कहाँ को कैलकुलेट कर पाएंगे I2 is equal to 5000 that is kilowatt mu watt te convert kar deli V2 hela kiti ki 110 into 1 to mu same thing rakhu chi 500 divided by 11 ampere hala tapre amako I2 lana padi gala transformer re ame janichu ki je I1 kon hela load component of
प्राइमरी करंट दैट इज आई वन कौन आम जानू आई वन इक्वल टू के टाइम्स आई टू आई वन इक्वल टू के टाइम्स आई टू के कौन के इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है तुम टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में कौन थाए सब बेले तुम वी टू बाय वी वन थाए स्टेप डाउन हो और स्टेप अप था सब बेले कौन है तुम वी टू बाय वी वन थाए बट ऑटो ट्रांसफॉर्मर केस में सब बेले कौन थाए हमारा लो वोल्टेज डिवाइडेड बाय हाई वोल्टेज ऑलवेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर केस में कौन है तुम लो वोल्टेज डिवाइडेड बाय हाई वोल्टेज के वैल्यू लो वोल्टेज कौन है हमारा 110 डिवाइडेड बाय हाई वोल्टेज है कि हमारा 220 इक्वल टू 0.5 ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और के रो वैल्यू के 0.5 तो के रो वैल्यू को यूज करके हम आई वन बाहर कर पा आई वन इज इक्वल टू के दैट इज 0.5 इनटू आई टू रो वैल्यू ये हमको मिली जी 500 डिवाइडेड बाय 11 कौन कही पा रहा मैं यहाँ को 250 डिवाइडेड बाय 11 एम्पियर आई वन रो वैल्यू एटी की आई टू सॉरी आई वन रो वैल्यू 250 बाय 11 आई वन आई टू रो वैल्यू 500 बाय 11 देन हमको जानिया रहा कौन इंडक्टिवली जो पावर ट्रांसफर हो ची तारा फॉर्मूला कौन कंडक्टिवली जो पावर ट्रांसफर हो ची तारा फॉर्मूला कौन है तो आई वन आई टू वैल्यू हमको जाना पड़ेगा इंडक्टिवली पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली इज इक्वल टू 1 - K इनटू इनपुट इन केवीए 1 - K इनटू इनपुट इन केवीए तो 1 - K रो वैल्यू 0.5 इनपुट किमती बाहर आमर भी वन इनटू आई वन जान इनपुट के भी है भी वन आई वन आउटपुट के भी है कौन भी टू आई टू देन 0.5 इनटू भी वन रो वैल्यू के अच्छी आमर सप्लाई दैट इज 220 इनटू आई वन के बाहर 250 / 11 इट विल कम एज 2.5 KV केमती आसला इनपुट इन के भी अच्छे तो आम कौन करलु 2.5 KV आम बाहर करलु कौन कहीं आम वोल्टेज आउटा एमपियर अच्छे डिवाइडेड बाय 1000 कल अलरेडी आमको बाहर जो है ना इन के भी मैंने इट डिवाइडेड बाय 1000 कल कौन होम कह 2.5 KV बाहर एटा कमी बाहर पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली से अनुसार पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली कौन हम पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली फॉर्मूला कौन के टाइम्स इनपुट इन के भी है और टोटल के भी है माइनस पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली जानी टोटल पावर किमती मानने ट्रांसफर हो इंडक्टिवली प्लस कंडक्टिवली इंडक्टिव आम अलरेडी बाहर करदे तो कंडक्टिव कि बाहर टोटल पावर जैसे आम ट्रांसफर हो माइनस कि इंडक्टिवली ट्रांसफर हो टोटल के भी है माइनस पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली वाइल दिजा से तो के वैल्यू हमर केति वाला 0.5 इनटू 5 के भी है इक्वल टू 2.5 के भी है ए फार्मूला बकली 2.5 के भी ए फार्मूला बकली टोटल के भी केति की हमर 5 के भी है डिवाइडेड माइनस केति की पावर ट्रांसफर इंडक्टिव दैट इज 2.5 त
तो पड़ेगा 5 रू 2.5 पड़ेगा रहा जी आउ नेक्स्ट 2.5 के पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली। तो क्वेश्चन आपको मांगी कि इंडक्टिव पावर कितनी ट्रांसफर होगा 2.5 के भी कंडक्टिव पावर कितनी ट्रांसफर होगा 2.5 के भी दी जन इक्वल मिसी टोटल पावर को ट्रांसफर दे है तो यहाँ पर इनफर्मेशन आपको ट्रांसफर्मेशन रेसियो दरकार इनपुट के भी ये दरकार इनपुट के भी आम बाकी कैलकुलेट करूँ कि इंडक्टिवली कमी होंडक्टिवली कमी हो बहुत ही इजी जस्ट फोकस करार अच्छी आमको फर्मुला जानवर अच्छी फर्मुला मैं रखी रही के वैल्यू रेट इंपोर्टेंट कौन अच्छी एल वि साइड बै एच वि साइड जदि मन कर तुम एच वि साइड बै एल वि साइड कल बै एल चेन्स तुम कर देल तो एच वि साइड तुम सब बेस एल वि साइड तो के वैल्यू सब ग्रेटर देन वन हम के वैल्यू तुम सब ग्रेटर देन वन पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली कौन है तुम के टाइम्स इनपुट के भी मैंने इनपुट के भी जी दौ बेसी पावर ट्रांसफर होगा केवे भी पॉसिबल नुह तो तुम्हें भलसे मन रख कन्फ्यूज हम ना कि आमर वैल्यू ऑटो ट्रांसफॉर्मर केस कौन सब एल डी वाइंडिंग वोल्टेज डिवाइडेड बाय हाई वोल्टेज वाइंडिंग वोल्टेज तो भलसे आउ थे क्लीयरली देखीद फर्मुला गुड़ाक कमी कौन बाहर कराऊँगी।